तो कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि भैया अभी तक हमें गिफ्ट नहीं मिले, ठीक है। तो देखो यार, 500 से भी ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम बहुत सारे बच्चे तक रीच आउट हो चुके हैं, कुछ बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे हम, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आप कि आपके मार्क्स कितने हैं, बोर्ड्स के मार्क्स कितने, सीटी के मार्क्स कितने, ठीक है। सब्सक्राइब करना पहले, उसके बाद कमेंट करना। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, हम सब्सक्राइबर की लिस्ट में चेक करते हैं उस बच्चे की कमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद कमेंट करना आपके बोर्ड्स के मार्क्स, सीटी के मार्क्स, ठीक है। पहुंच जाएंगे यार आपके पास, थोड़ा सा हमें भी वक्त दो, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके शिफ्ट वाइज टॉपर के बारे में, ठीक है, कि कौन से शिफ्ट का टॉपर कितने मार्क्स पे निकला है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट जानेंगे कि ये जान के हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना यार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है। दिन के दो दो तीन तीन वीडियोज डाल रहा हूँ मैं, पीडब्ल्यू में पढ़ाता हूँ, उसके बाद मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कभी निग्लेक्ट नहीं होने दिया आपको, ठीक है। दिन के दो दो तीन तीन वीडियो कोई क्रिएटर नहीं डालता, जो फुल टाइम बैठा है ना यूट्यूब पे, वो भी दो दो तीन तीन वीडियो नहीं डालता, ठीक है। तो प्लीज इस चीज की आपको रियलाइजेशन होके आप सब्सक्राइब करना, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए काउंसलिंग फॉर्म मैंने डाल दिया है, जल्द से जल्द वो फिलअप कर देना है आपको। उसको फिल करने के बाद काउंसलर्स आपको कॉलेज लिस्ट बना के देंगे। मैं गारंटी देता हूँ वो महाराष्ट्र की नंबर वन कॉलेज लिस्ट होगी, ठीक है। वही कॉलेज लिस्ट आपको सबमिट करनी है आपके कैप राउंड में, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपके कम परसेंटाइल भी आए तो उन कम परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लास्ट चार सालों से वही काउंसलर्स सीओईपी, विजिटिया, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी, केजे सोम्या, एमआईटी कॉलेजेस में न्यूटन एडुकेटर्स के स्टूडेंट भेज रहे हैं। एक ही चीज अच्छे से करते हैं, कॉलेज लिस्ट बहुत अच्छे से बनाते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी वो देखते हैं, आपके परसेंटाइल कितने वो देखते हैं, आपकी रैंक कितनी है वो देखते हैं, आपको कौन सी सिटी में चाहिए, कौन सी ब्रांच में चाहिए, सारा आपका डेटा लेते हैं रिजल्ट के बाद। उसके बाद आपकी कॉलेज लिस्ट बनती है और वो आपको मिलती है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है, इस कॉलेज का मेस कैसा है, फैकल्टीज कैसा है, कैपराउंड के संबंधित कुछ भी डाउट है, काउंसलर से पूछ लो, वो आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। तो प्लीज जल्द से जल्द जो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए उसको फिल कर देना है, ठीक है। और कम परसेंटाइल भी है ना, चिंता मत करो यार, बेस्ट कॉलेज में जाओगे। और ज्यादा है तो और कॉन्फिडेंट मत आना, 50% काम अभी भी बाकी, ये याद रखना आपका, ठीक है। 50% काम बाकी है, 50% काम सिर्फ आपका एग्जाम देना हुआ है, 50% काम आपका एडमिशन प्रोसेस को समझना, कॉलेज लिस्ट बनाना होता है, और उस 50% काम में किसी को गलत नहीं करना है, ठीक है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। स्टार्ट करता हूं मैं, उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस क्यों है हमें हर शिफ्ट के टॉपर को जानने का। तो देखो यार, आपके जो परसेंटाइल डिसाइड होंगे वो टॉपर के परसेंटाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। सपोज किसी शिफ्ट की अगर बात करूं मैं, सपोज मैं नाइन्थ में की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, सपोज टॉपर निकला आपका 162 मार्क्स का और सेकंड शिफ्ट में टॉपर निकला 178 मार्क्स का, तो वो जो 178 और जो 162 मार्क्स है उन दोनों को 100% आएंगे। कितने आएंगे? 100% आएंगे। और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर 162 वाले को 100% आए और 160 जिसके आए तो उसके अकॉर्डिंग 199.80 ऐसे आएंगे आपके। और जिसके 178 आए हैं, ठीक है, उसको 100% मिलेगी, और जिसके उसी शिफ्ट में जिसके 175 आए हैं उसको 99.7080 ऐसी परसेंटाइल मिलेंगी। तो देख रहे हो, 162 वाले को आपकी 100% मिल रही है और 174 वाले को 99.80 मिल रही है। क्यों? शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल की वजह से। क्यों? शिफ्ट का टॉपर की वजह से, ठीक है। तो टॉपर आपके मार्क्स डिसाइड करता है। आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझा होगा कि टॉपर क्यों हम निकाल रहे हैं हर एक शिफ्ट का, ठीक है। ये एनालिसिस न्यूज नेशन ने, इंडिया न्यूज ने, टाइम्स बड़ी ने दी है, ठीक है, तो ये गलत नहीं होती, हर साल उनका सही एनालिसिस होता है। तो आपको पहले समझना चाहिए कि हम टॉपर क्यों निकाल रहे हैं। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा रिपीट करो वीडियो को और समझो कि टॉपर हम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, नाइन्थ मे की बात करते हैं। नाइन्थ मे का आपका शिफ्ट मॉडरेट था लेकिन उसका टॉपर निकला है 162 मार्क्स का, ठीक है। नाइन्थ मे की सेकंड शिफ्ट का इजी पेपर था तो आपका टॉपर निकला है 178 मार्क्स का, ठीक है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है इस साल, ठीक है। जब मैं लिख रहा था तभी मुझे स्ट्राइक हुआ था कि यार लास्ट ईयर इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस साल डिफरेंस दिख रहा है हमें। टेंथ में की बात करूं तो 166 मार्क्स का टॉपर निकला है, मेरे मॉडरेट शिफ्ट थी। टेंथ में की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 173 मार्क्स का टॉपर निकला है। इलेवंथ में की बात करूं तो 169 में फर्स्ट शिफ्ट का 169 मार्क्स का टॉपर निकला है आपका। सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 157 मार्क्स का टॉपर निकला है, ठीक है। इतना कम क्यों निकला टॉपर, 157 मार्क्स क्यों निकले? क्योंकि शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट थी, ठीक है। ये आपको समझ रहा है, अभी अभी चीजें लिंक हो रही है, ठीक है। 157 वाले को 100% आएंगे और 10th में के सेकंड शिफ्ट में इजी परसेंटाइल बोला है मैंने, ठीक है, सॉरी मतलब 173 मार्क्स का टॉपर बोला है, तो 173 मार्क्स वाले को 100 आएंगे परसेंटाइल। यहाँ पे 11th में सेकंड शिफ्ट में 157 वाले को ही 100 आ जाएंगे, तो डिफरेंस देख रहे हो, आपको समझा इंपॉर्टेंस अभी है कि नहीं। 12th में की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 165 मार्क्स का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट की मार्क्स करूं तो सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 181 मार्क्स से यहाँ पे टॉपर निकला है आपका। शॉकिंग चीज है, ठीक है, 165 मार्क्स वाले को 100% आएंगे और 181 मार्क्स वाले को भी 100% आएंगे, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा मार्क्स का है, ठीक है। 13th में की अगर बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 169 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में आपका 171 का टॉपर निकला है।
14 में की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट का 170 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट का 153 का टॉपर निकला है, ठीक है। फार्मेसी की बात कर देता हूं मैं, ठीक है, देख लेना यार कि आपको काउंसलिंग फार्मेसी के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करना मत भूलना। इंजीनियरिंग के लिए भी है, फार्मेसी के लिए भी, फार्मेसी के भी काउंसलर्स अवेलेबल है, इंजीनियरिंग के भी काउंसलर्स अवेलेबल है। 15 में की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 162 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में 154 का टॉपर निकला है, 16 के फर्स्ट शिफ्ट में 166 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में 183 का टॉपर निकला है, 17 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 179 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में आपका 168 का टॉपर निकला है। 18 मई की अगर बात करूं मैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 160 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में आपका 168 का टॉपर निकला है। 19 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 181 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में आपका 159 का टॉपर निकला है। 20 की बात करूं मैं, फर्स्ट शिफ्ट में आपका 163 का टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में आपका 168 का टॉपर निकला है। ये सारा डेटा आपको कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो, शिक्षा.com इन सब वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। एक एक दो दो मार्क्स का फर्क आएगा, लेकिन सारा डेटा मिल जाएगा। इससे आपको समझ आ गया कि आपके परसेंटाइल में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जो मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो डाला है, अगर सपोज आपके 168 मार्क्स है तो आप क्या कंसिडर करोगे कि आई विल बी द 100 परसेंटाइल, ठीक है, मुझे 100 परसेंटाइल आने की संभावना है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ, आपको आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में इंप्रूवाइजेशन दिखेगा, ठीक है, कि हाँ, अगर आपको पहले क्लैरिटी नहीं थी कि हाँ मेरे 155 पे मेरे 98 बनेंगे, अभी क्लैरिटी आ गई होगी। तो यही सारी चीज़ें थी यार आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको समझा होगा कि वीडियो का कंटेंट अगर आपको समझ गया होगा ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाले, हर एक कॉलेज कवर होने वाला है, ठीक है। सिर्फ सब्र रखना है, हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, फैकल्टीज, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सब्र रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। कुछ भी डाउट है काउंसलर से पूछ लेना, अगर आपने काउंसलिंग फॉर्म फिल किया है तो काउंसलर से पूछ लो कि सर इस कॉलेज का ये कैसा है, वो कैसा है, सब चीज़ें काउंसलर आपको बताएंगे। मुझसे कुछ बात करनी है तो व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो, मैम से कुछ बात करनी है आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। सारी चीज़ें ओपन रखिए आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय, टेक केयर, थैंक।